हेलो एवरीवन। सो सुबह जब मैंने व्लॉग बनाया तो उस टाइम मैं हॉस्पिटल जा रही थी। मैंने आपको बताया कि मेरी जो राइट लेग है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, मैं क्रैम्प समझ रही थी। जैसे मैं हॉस्पिटल गई ना, वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था, इतना ज़्यादा क्राउड था, और मेरा 20 नंबर था। और फिर जो डॉक्टर के असिस्टेंट होते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप ना अभी घर चले जाओ। मैंने पर्ची वगैरह वो कटवा के, उन्होंने कहा हम आपको कॉल करेंगे। तो उन्होंने मुझे कॉल करा 2 o'clock के अराउंड, और बिल्कुल पास में हॉस्पिटल है, चीमा हॉस्पिटल। देन मैं गई और मेरा नंबर आया 2 o'clock 20 के अराउंड। उसके बाद तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपने जो है लेग पे जो है ज़्यादा ओवर यूज़ कर लिया अपने लेग को। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बट हाँ कि मैंने काफ़ी टाइम से रनिंग शुरू करी, मतलब 3-4 महीने के बाद रनिंग शुरू करी। बट ऐसा भी नहीं कि पहली बार रनिंग, मैं तो रनिंग करती आ रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसको बोलते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो एक्चुअली ना क्या हुआ, मैं अवॉइड कर रही थी, मुझे यही लग रहा था कि क्रैम्प्स हो रहे हैं, और मेरी जो राइट लेग है ना वो इतनी ज़्यादा हार्ड हो रखी है ना, बहुत ज़्यादा सख्त, और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। और मेरी गलती ये थी कि मुझे यही लग रहा था कि क्रैम्प्स, तो भी मैं दौड़ रही थी, मतलब 3.5 किलोमीटर डेली। सो उन्होंने मुझे अभी ये बोला कि उन्होंने 5 days की मेडिसिन दी है कि मेडिसिन आप लो, और अभी जितना आपको ज़रूरत है वॉक सिर्फ उतना करो, मतलब जो हम डेली के काम करते हैं, बाकी आपको बिल्कुल रेस्ट करना है। और मेरा हाथ थक रहा है। और उन्होंने कहा कि उसके बाद 5 days के बाद आपको फिर से आना है, फिर मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, और मालिश वगैरह कुछ नहीं करवानी। इवन मैंने कल अंजलि से मालिश करवाई थी, और इसमें जो है जो कोल्ड वो होता है ना, क्या कहते हैं, तो मेरे मुँह में शब्द नहीं आते, मतलब आइस पैक लगवाना है इसमें ट्वाइस अ डे। एंड सो यही बताया। तो आज मैं कैफे से आ गई थी जल्दी, और अभी भी स्वेलिंग है। उन्होंने कहा कि पिल्लो रखना अपने लेग के नीचे, एंड तो बस यही चल रहा है। तो आज मैं कैफे से जल्दी आ गई, और अभी मेरे ऑफिस का काम चला, मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है, तो मैं गई नहीं हूँ, मैं आज जाऊँगी नहीं, मतलब गई थी सुबह, अभी तो आई थिंक 7 बजने वाले हैं, 8 बजे तो मेरी VC भी है शुरू, मेरी नाइट शिफ्ट चल रही है आप लोगों को पता है। तो अंजलि अभी कैफे है, वो 5 बजे गई है, तो अभी मैं अपनी VC वगैरह अटेंड करूँगी, उसके बाद आइस पैक वगैरह लगाऊंगी। तो यही चल रहा था, और आई वॉज सो हैप्पी, सो हैप्पी कि मैंने फाइनली मैंने रनिंग शुरू करी। एक्चुअली हम कर सब कुछ सकते हैं, बट आपका जो शेड्यूल होता है ना, उसको थोड़ा यू नो एडजस्ट करना पड़ता। तो मेरा शेड्यूल अब हो गया था परफेक्ट कि मुझे शाम के टाइम जाना ही जाना है। अब जितना रनिंग करी उसमें पानी फिर गया, बट एनीवेज। सो गाइज, अभी आई थिंक 7:30 हुआ है या ऐसा कुछ टाइम है, अभी पूजा वगैरह कर लेती हूँ। और आज अंजलि बनाए थे मुझे भूलने की बहुत आदत है, अंजलि ने बनाया था आज पालक और आलू। अभी मैं सुबह के लिए मशरूम वगैरह वॉश करके रखती हूँ, और पूजा वगैरह कर लेती हूँ, थोड़ा हाथ वगैरह धो लेती हूँ। हेलो गाइस, सो अभी मैं जस्ट फ्री हुई हूँ, 9:30 हुआ है, मेरी VC ख़त्म हो गई। अभी काम तो सुबह तक ही करना, 3-3:30 तक अंजलि का वेट कर रही हूँ खाना खाने में। उसके बाद मुझे आइस पैक भी लगाना लेग में, और लाइट मैंने सारी बंद कर रखी है, और सिर्फ फेरी लाइट ऑन करी हुई है, और ऐसी मेरी वाइब अच्छी भी लगती है। सो बस सभी काम कर रही हूँ, अभी तो बहुत काम करना है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह की शुरुआत मेरी आज बहुत पहले हो गई थी, एंड आज मैं बना रही हूँ मशरूम मटर, और तेल मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, आज थोड़ा ज़्यादा ही पड़ गया है। और मैंने ये मटर है जो मैंने भिगो कर रखे थे गर्म पानी में वॉश कर, और ये है मशरूम रात को कट करे थे, और ये है टमाटर प्यूरी, और प्याज वगैरह, अदरक लहसुन सब कुछ इसमें। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा किचन किंग, और ये है धनिया पाउडर, थोड़ा थोड़ा डालूंगी ये पे धनिया पाउडर, और इसमें डालूंगी थोड़ी कश्मीरी मिर्च, इतनी सी डालूंगी बस, बाकी हम कोई भी मसाला यूज़ नहीं करते। ये ढक्कन लगा के अब मैंने ग्रेवी में मटर भी ऐड कर लिए है, अब इनको मैं अपने दूंगी स्लो
गैस कर लूँगी स्लो और उसके बाद ऐड करेंगे ये मशरूम। सो मैंने कर दिया इसमें मशरूम ऐड। अब फिर से करूँगी इसको ढककर लगा के बंद, और क्योंकि मशरूम में बहुत सारा पानी आएगा मशरूम से खुद पकता रहेगा। गाइस अब हो गया है लंच का टाइम फाइनल। ये है हमारे मशरूम, थोड़ा पानी पानी रखा हमने, और यहाँ पे मैंने रेंगे चपाती हो गई। सो रात के बज रहे 8:30 और मैं बनाने जा रही हूँ नमकीन चावल, और उसके लिए मैंने यहाँ पे ले रखा है गाजर भी है, थोड़ी सी आलू भी है, और गोभी भी है, मटर भी है, और यहाँ पे मैंने चॉप करा है अदरक और हरी मिर्च, प्याज और टमाटर भी कट करना है। फिर मैंने ये भिगोए राइस, अब मैं बनाऊंगी इसको। तो यहाँ पे मैंने ऑयल थोड़ा सा डाल दिया है, एंड आजकल मेरी मीटिंग होती है 7:30 से 8:30 तक, तो अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ और अंजलि है कैफ़े में, मैं गई नहीं हूँ। एक तो पैर की प्रॉब्लम, क्योंकि मैं आ गई थी 5:30 बजे और फिर मेरी मीटिंग भी थी, तो अंजलि अभी यहाँ पे है। वैसे मॉर्निंग हमने बनाया था मशरूम, मतलब मैंने बनाया था, तो मैंने अभी सोचा कि मशरूम भी बचे, बट मैंने सोचा कि नमकीन चावल बना देती हूँ। जब भी आप नमकीन चावल बनाओगे ना, तो उसके लिए ना, वैसे मैं कढ़ाई में बनाती हूँ, बट अभी मेरी ना फिर से कॉल शुरू होने वाली, तो मेरे पास इतना टाइम था नहीं। कढ़ाई में बहुत अच्छे बनते हैं, और जो अनियन की चॉपिंग होती है वो ना थोड़ी मोटी मोटी करना, और इसके लिए ना आपको पूरा जो मसाला होता है उसको ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा कच्चा भी रख सकते हो जो कि अच्छा लगता है खाने में। सर इसमें ऐड कर लिए, और अब मैं इसमें जो भी वेजिटेबल है ना 3-4 वो भी मैं ऐड कर लूँगी, इससे क्या हो जाएगा, नहीं पकता रहेगा, टमाटर भी गल जाएगा और वेजिटेबल भी पक जाएगी। अब मैंने सारी वेजिटेबल इसमें ऐड कर लिए, और इसको मैं ढक दूँगी और 5-7 मिनट के लिए पकने दूँगी। सो अभी मैंने चावल रखे हैं, थोड़ी देर सब्जी पकने देती हूँ और अपना काम करते हैं शुरू। मुझे इनका बड़ा सही लगता है बुद्धिज्म का। We think in our daily life makes who we are, makes the character, okay? Makes our character. So that is why we have to focus on the good habits and remove, try as much as possible to remove the toxic habits. So guys, 9:30 हो गए। मेरी एक कॉल थी अभी, जस्ट मैं फ्री हुई हूँ और मैं देख रही हूँ नमकीन चावल कैसे बना है। एक सेकंड, भाप आ रही है। बहुत यमी बना है, मैंने थोड़ा टेस्ट करा, बाकी बाद में खाऊंगी, और इसको बंद कर लेती बिकॉज ठंडा हो गया ना, फिर कोई भी टेस्ट नहीं आता। हेलो एवरीवन, चलो अब मैंने सोचा कि अभी तक मैं आपको सिर्फ बैक कैमरा से ही बात कर रही थी, अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ, फ्री मतलब कि मैंने खाना बना दिया है, पुलाव बना दिया है, और मेरा ऑफिस का काम भी हो गया है, हो मतलब आधा हुआ है। अभी मुझे मिली है 30 मिनट की ब्रेक, तो मैंने सोचा आप लोग से बात कर लेती हूँ, काम भी ऑफिस का है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि 2-2:30 बजे तक मैं फिनिश करके अपना सो जाऊँ। सो और मेरे को क्या फील होता है ना, जब आप लैपटॉप के साथ ज़्यादा काम करते हो, ऐसे लगता है कि आप नहा ही नहीं हो, मेरी शक्ल ऐसे ऐसी लग रही थी अभी, जैसे मैंने फेस वॉश करा, और इवन मुझे भूख भी लगी है, बट मैंने सोचा अंजलि का वेट कर ही लेती हूँ, अब वो आने वाली है, एंड सो यस। और मेरी आईज बहुत ऑयली लग रही, क्योंकि बहुत ड्राइनेस हो गई, तो मैंने ऑइंटमेंट अप्लाई करा है आईज़ पे, और ये रीज़न है, बाकी यही अंजलि का वेट कर रही हूँ। और पुलाव सीरियसली बहुत अच्छा बना है, और मुझे ऐसे लग रहा था 2-3 दिन पहले से कि चंडीगढ़ में ना गर्मी आ गई, बट नहीं, ठंडा भी है अभी भी, आप मतलब हल्का फुल्का जैकेट पहन सकते हो। सो अभी मैं अंजलि का वेट कर रही हूँ, और मैं सोच रही अंजलि आएगी, उसके बाद हम खाना खाएंगे, फिर अपना मैं ऑफिस का काम कंटिन्यू करूँगी। सो अभी तक अंजलि नहीं आई है, तो मैंने सोचा अपना काम कर ही लेती हूँ, और मुझे अपनी लेग ऐसे रखने को कहा है कि 2 पिलो रखना और ऐसे ही रखना, सो दैट स्वेलिंग ना हो। और ये वाली जो चीज़ें हैं ना, मुझे अपने रूम में बहुत गंदी लगती है, बाकी रूम बहुत अच्छा है, बट ये चीज़ें बहुत गंदी लगती है। सो गाइज अंजलि आ गई, मैंने बोला था ना कि देखना, देखो तो गर्म गर्म अभी देख बन गया नहीं गाइज, देखना अगर गर्म, अभी ऐसा लग रहा है कि चावल है सीरियसली। सो गाइज मैं अपना काम थोड़ा साइड में रखती हूँ, मैं बेड पे खा रही हूँ, क्योंकि फिर टांग का मसला है। ये मशरूम बचे हुए सुबह के, देखेंगे इतने टेस्टी बनाए थे चावल यार, क्या बन गया, बट गाइज स्टिल टेस्टी है, बता जल्दी रिव्यू दे। सब्जी डाली इसमें, बताए गोभी भी डाली हुई है, आलू मटर गाजर।